हे मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी सुबह का 11 बजने जा रहा है और मैं यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन के लिए ना कढ़ाई को चढ़ा रही हूँ। मुझे पता है कि नॉनवेज कुछ आया है, पर ये नहीं पता कि मटन या चिकन आया है, जिस वजह से मैं कढ़ाई में चिकन बनाने का सोच कर रखी थी, पर जब थैला निकल कर देख रही हूँ ना, मटन है अंदर। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो गया। मसाला भी तो सेम रेडी था, मुझे पता ही था कि 1 kg से ज़्यादा होगा, जिस वजह से उसी के हिसाब से निकाल कर रखी थी। और ऐसा नहीं कि मटन कढ़ाई में नहीं बनेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगा, पर मेरे पास अभी कम ही समय है और मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि कुकर में ही बना लो, झटपट हो जाता है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा खासा सिझता भी है, जिसे कहते हैं मतलब पकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपना कैमरा को सेट करी और मुझे ना खिड़की के ऊपर रखकर कैमरा को सेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा कैमरा का जो कैप्चर करने वाला होल्डर है ना, वो टूट चुका है, कोई और नहीं तोड़ा, मैं खुद ही तोड़ दी हूँ। तो मैं यहाँ पर तेल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ प्रेशर कुकर में, और आद्या नीचे खेल रही थी, जिस वजह से मुझे अभी हड़बड़ा के सब कुछ करना पड़ रहा है। साथ में मुझे चावल भी चढ़ानी है और आद्या तो कुछ खाती नहीं, आप लोगों को पता है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए दूध चढ़ा कर रखी हूँ, गर्म कर रही हूँ ताकि वो उसको थोड़ा सा पिला सकूँ। और मैं चीज़ बताऊंगी आप लोग को, तो हंसोगे आप, बताऊंगी कुछ देर बाद, आप लोग उसका पता चल जाएगा आपको क्या है बात। तो मैं घर गई हुई थी ना, उस टाइम ना मैं अपना लाइफ का झंझट से बिल्कुल मुक्त थी, मतलब लाइफ का झंझट नहीं बोलना चाहिए, जैसे आद्या को लेकर मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। वहाँ क्या होता है, माँ बाबा सबको ही मिलकर संभालते थे, तो लाइफ का एक सिस्टम जो है वो बिल्कुल सा चेंज हो गया था। और आद्या यहाँ पर मुझे एप्पल खिला रही थी, मैं उसको कुछ भी पकड़ाऊँ ना, कोई मैं या कोई और भी उसको पकड़ाए ना, वो उसी को ही खिला देती है खुद खाने की वजह से। तो मैं खाकर उसको दिखाती हूँ कितना यम्मी है, कितना टेस्टी है, फिर भी क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए, बार बार वो मुझे ही खिला रही थी और मैं उसको गोदी लेकर थोड़ा बहुत, वो सब का तो रोज का आदत है मेरा बनाना, तो यही मटन बनेगा और देखते हैं आगे क्या कुछ बना पाती हूँ नहीं। हे फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान, क्योंकि शर्म की बात है कि मैं खाना बना ही रही थी और मुझे पता चला मेरे घर में नमक ही ख़त्म हो गया है। एक्चुअली कल परसों जब हम लोग घर से आए ना, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्या क्या ग्रोसरी ख़त्म हुआ है बता दो, लेके आता हूँ। मैं बोली सब कुछ है, कुछ भी ख़त्म अभी तक हुआ नहीं है, आप रिलैक्स रहो। और अब जब मैं बोलने जाऊँगी तो डांट भी मिल जाएगी मुझे सुनने को। अब जब मैं बोलने जाऊँ कि नमक ख़त्म है तो डांट तो सुननी पड़ेगी, तो इससे अच्छा कि पैसा लो और बगल वाला दुकान भाग जाओ और नमक लेके आ जाओ। तो चलते हैं, आद्या को लेकर थोड़ा सा एक नमक का पैकेट ले आएंगे। और ऐसे में भी मैंने कहीं सुना था धनतेरस के दिन नमक खरीदते हैं, तो आज तो है नहीं, परसों है धनतेरस 10 तारीख, पर ये वीडियो ना बहुत लेट जाएगा। और देखते हैं हम लोग धनतेरस को इस बार क्या खरीदते हैं। ऐसे मैं कुछ ज़्यादा बड़ा कभी लेती नहीं हूँ, छोटा छोटा चीज़ ही लेती हूँ। दुकान से हम लोग क्या लेंगे, क्या लेंगे बेटे? चलो चलो देखते हैं, प्राइम सॉल्ट कैसा है? ये छोटा वाला है, ये सर इसमें गंदा निकलेगा, डस्ट वगैरह जाएगा? आ गए हम लोग नमक का पैकेट लेके। कभी मैंने इस तरह से नमक का पैकेट खरीदने दुकान नहीं गया हुआ था, पर आज हम लोग को जाना पड़ा। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है बेटा? हेन कहाँ हेन बेटा? हेन आया, हेन आए रे, हेन आई। तो ये देखिए, मेरा मटन बनकर तैयार हो गया है। कुछ इस तरह का मैंने ग्रेवी बनाया हुआ था, क्योंकि ग्रेवी मुझे बहुत पसंद आता है। कभी कभार ना मैं कस्सा करती हूँ मटन का, वरना मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मटन का ग्रेवी बनाऊँ। अभी शाम हो चुका है, हम लोग सो के उठ गए, दिन भर हम लोग सोए नहीं, बस बदमाशी करते रहे, थोड़ा सा सो के उठ गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, घर में रहेंगे तो ये सब कुछ पहना नहीं जाएगा, बस निकाल दो निकाल दो, वरना खुद निकाल के फेंक देगी। अब जैसे ही बाहर निकल रहे हैं ना, समझ गई कि हम लोग को घूमने जाना है। आज हम लोग पहली बार स्वेटर वेटर पहन लिए हैं, क्योंकि ठंडा थोड़ा सा लग ही रहा है और शाम का टाइम में लग रहा है, दिन को इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, फिर भी हम लोग पंखा चला के सो रहे हैं, है ना बेटा, है ना? हाँ, इसको निकालना है, इसको निकालना है, निकाल देंगे, रुक जाओ, अभी नहीं अभी नहीं, अभी घूमने जाएंगे ना, अभी नहीं निकालेंगे, बाद में निकाल देंगे ना, पापा आएंगे उसके बाद इसको निकाल देंगे। तो चलिए हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं चाय के टाइम। बाय बाय। दिवाली आ रही, दिवाली की तैयारी।
मैं कुछ भी चीज़ ना अपने हस्बैंड से नहीं छुपाती हूँ, सब चीज़ बोल देती हूँ, नहीं बोलूँगी सोचती हूँ फिर भी बोल देती हूँ। जैसे ही वो ड्यूटी से आए और मैं इनको बोली कि इस तरह से मेरे साथ हुआ कि नमक ख़त्म हो गया था, तो वो मार्केट जाके ना जो कुछ मैं बोली थी वो भी लाए हैं, और जब मैं नहीं बोली थी वो भी लेते आए हैं, क्योंकि वो बोले कि दोबारा इस तरह का हरकत ना हो जैसे, क्योंकि उनको बहुत ख़राब लगता है, पता नहीं क्यों बोलते हैं मैं सब कुछ लेकर आऊँगा, छोटी चीज़ के लिए अगर मुझे तुमको दुकान जाना पड़े तो वो गलत हो जाता है। शौक के लिए जाओ अलग चीज़ है, कुछ तुमको अपना खाने का मन करे, पर इस तरह का घर का ग्रोसरी के लिए तुमको जाना पड़े तो वो ठीक नहीं। और आद्या यहाँ पर देखिए मेरे साथ पूरा मेरा ग्रोसरी सेट कर रही है, तो मैं भी उसको छोड़ दी थी कि वो मजा ले रही थी, सब एक एक चीज़ बैग से निकाल रही थी और फिर अंदर कर रही थी, तो फिर मुझे अच्छा लग रहा था कि वो अपना ग्रोसरी सेट करे, चलो भाई वो भी सीख जाएगी तो मुझे मदद करेगी, सब चीज़ पहचान भी करा रही थी मैं, इसे कहते हैं इसे चीनी कहते हैं, इसे मैगी कहते हैं, और मैगी को ना वो बड़ी अच्छी तरह से पहचानती है, अभी नहीं बहुत पहले से, और कुछ भी चीज़ नहीं खाती है, पर मैगी का जब टाइम आता है ना मिम्मी मिम्मी कर दी है, उसका दीदी के पास चली जाती है, उसकी गोदी में बैठ जाएगी और मिम्मी मिम्मी करेगी। और यहाँ पर देखिए रात का टाइम है जो कि हम गुड नाइट, हम लोग रूम आ चुके हैं, ड्रेस भी चेंज कर चुके हैं, गुड नाइट करो बेटा, सबको गुड नाइट कर दो, चलो बेटा बाय करो, बाय करो, इधर इधर मामा को बाय करो, चलो मामा को बाय करो, थोड़ा चल के दिखा दो, चाय चाय करके दिखाओ, चाय चाय करके दिखाओ सबको, उठ जाओ। अभी मुझे बेड झाड़ना है फिर हम लोग सोएंगे, क्योंकि रात का बज चुका है 10:15 और हम लोग रूम आ चुके हैं, बस उसके पापा नहीं खाए हैं, वो खा रहे हैं, पहले मैं और मेरी बड़ी बेटी खा लेते हैं, क्योंकि वो अकेले खाना नहीं चाहती है, कोई एक संभालते हैं आद्या को, फिर जाके किसी और का खाना होता है। चलो बेटा बाय करो सबको, चाय चाय करके दिखाना, पहले चाय चाय करे, वो खेलने में पूरा बिजी है, वही चिमटा लेके, वो जो कपड़ा का क्लिप आता है ना उसी को लेके खेलने में बिजी है, देखिए पूरा परेशान हो रही है। मिल गया, मिल गया, चलो चाय चाय करके दिखाओ, उठो उठो उठो, उठ जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, अब सुनने वाली है नहीं वो। तो चलिए इस छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।